जैसा कि आप लोग को पता है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 21 दिनों का पूरे भारत में अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ या जा पा नहीं रहे हैं। बिहार से भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। उन सबों के लिए एक राहत की बात है। क्या है राहत की बात? क्योंकि कल एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से 1,000 रुपया सहायता मिलेगा उन सबों को जो बिहार के हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। आपको कहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्या करना है उस एप्लीकेशन में, हम आपको कंप्लीट पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी कोई बिहार के हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं वो भी इस योजना का लाभ। वेलकम टू दी एस स्टडी बाय दी शर्मा। सबसे पहले आपको मोबाइल में गूगल खोल लेना है और उसमें टाइप करना है AAPADA.. उसके बाद BIH.NIC और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आया है यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल गया है। इस पेज में आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी हैं तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं, वही केवल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिहार के हैं, बिहार में ही हैं, इस योजना का लाभ ले लेते हैं, हम देखते हैं एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके और ट्राई मार के कहीं आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह लोकेशन पर काम करता है। आपका लोकेशन जहां का बतलाएगा मोबाइल, अगर आप बिहार से बाहर हैं तभी आपको अकाउंट में मिलेगा पैसा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, और वही व्यक्ति लाभ ले पाएंगे जो रियल में फंसे हुए हैं। चलिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लेते हैं। अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति, आपको मोबाइल से आधार कार्ड का फोटो क्लिक करना है और उस एप्लीकेशन में सिंपली अपलोड करना है। उसके बाद अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी बैंक के ब्रांच में है, यानी जो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं जिसका आधार कार्ड है उसी नाम से उसी व्यक्ति का अकाउंट बिहार में किसी भी ब्रांच में होगा चलेगा। उसके बाद अभ्यर्थी के फोटो सेल्फी का मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से किया जाएगा, अतः आधार का फोटो साफ होना चाहिए। आप जो सेल्फी क्लिक करके उस एप्लीकेशन में अपलोड कीजिएगा, उस फोटो का मिलान आधार कार्ड में मौजूद फोटो से किया जाएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा गया है एक आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं फंसे हुए, किसी एक ही के पास आधार कार्ड है और सोच रहे हैं दो व्यक्ति एक ही आधार कार्ड पर लाभ ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। केवल एक आधार नंबर पर एक ही व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर में है मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप पर करना होगा, यानी आपका OTP जो आएगा उसको फिर मोबाइल एप्लीकेशन में जहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर इंटर करना है। इससे संबंधित सहायता बैंक सिर्फ बैंक खाता में भेजा जाए, यानी वो सहायता राशि जो है आपको कैश नहीं मिलने वाला है, वो आपको बैंक में ट्रांसफ़र होगा। चलिए हम नीचे अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। हम भी यहाँ पर कर लेते हैं डाउनलोड। चलिए ऑलरेडी हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, डायरेक्ट हम वहाँ पर ले चलते हैं और एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। एप्लीकेशन खुल चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको आधार कार्ड का फोटो कैसे अपलोड करना है वो बताया जा रहा है। इस प्रकार से आपको फ़ोटो खींचना है और उस एप्लीकेशन में अपलोड करना है। उसके बाद फ़ोटो आपको क्लिक करना है और फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फी जिसमें चेहरा साफ आना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है इस जगह पर, यहाँ पर
पंजीकरण के लिए आगे बढ़ी। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको लोकेशन को अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, आप लोकेशन को अलाउ कर दीजिए। जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस जिला से हैं। उसके बाद प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम इंटर कीजिए। उसके बाद आपको नीचे अपना नाम इंटर करना है। आधार कार्ड में जो नाम है ध्यान दीजिएगा वही नाम होना चाहिए। अगर आपका स्पेलिंग में गलती हो रहा है थोड़ा भी तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना लिंग सेलेक्ट करेंगे, स्त्री या पुरुष जो भी हैं वो। उसके बाद यहाँ पर नीचे पिता या पति का नाम, अगर कोई महिला है तो अपना पति का नाम देंगे, नहीं तो अपना पिता का नाम। बाकी चलिए, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इस जगह आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको नीचे ध्यान देना क्या है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कृपया जीपीएस के लिए प्रतीक्षा करें। जो व्यक्ति अगर सोच रहे हैं कि हम बिहार में ही हैं और हम भी इस योजना का लाभ ले लेंगे, तो उसका ये मंशा पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कृपया जीपीएस के लिए प्रतीक्षा करें। यानी आप जहाँ पर हैं, आपका लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है, किस जगह है, रियल में सही में आप फंसे हुए हैं दूसरे राज्य में। अगर आप होंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि उन सबों को भी ये पता